तो मैं आज सेकंड पीयूसी हिंदी विभाग में पद्य भाग को लेता हूँ। पद्य भाग में दो भाग आते हैं, एक मध्यकालीन कविता, दूसरा आधुनिक कविता। आज हम लोग मध्यकालीन कविता के जो पद्य है तो पदों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो मध्यकालीन कविता में अक्सर भक्ति काल में जो कवि रचनाएं लिखे हैं तो उन सभी कवियों को हम लोग भक्ति काल के कवि बोलकर कहते हैं। तो भक्ति काल अक्सर दो रूपों में, दो विभागों में हम लोग देख सकते हैं, जैसे सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। सगुण धारा के कवि कहते हैं और निर्गुण धारा के कवि हम लोग कह सकते हैं। इनका समय अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक देखा जा सकता है। इनके बीच जो भी कवि भगवान की उपस्थिति और उनकी अच्छाई और उनकी शक्ति और उनका रूप सुंदरता का वर्णन और भक्ति भावना के विचारधाराओं का वर्णन जहाँ पर किया गया है, उन सभी विभाग को हम लोग भक्ति काल कह सकते हैं। अब यहाँ पर दो विभाग मैंने कहा था आपको, एक सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। ये सगुण धारा क्या होता है? सगुण धारा का मतलब है तो भगवान को मनुष्य का रूप देकर, तो यही भगवान बोलकर मानकर, उनके ताकत का, उनकी विशेष गुणों का, उनकी भक्ति का, उनके विचारधाराओं का जहाँ पर भी वर्णन किया गया है उन सब को हम लोग सगुण धारा के कवि कहते हैं। उसी तरह ये निर्गुण धारा क्या होता है? निर्गुण धारा का मतलब है तो भगवान तो है, उसकी शक्ति अपरंपार है, वे निराकार है, लेकिन उसका आकार नहीं है बोलकर, तो भगवान की विशेषताओं का जहाँ पर बिना देखे उनका वर्णन किया जाता है तो उसे हम लोग निर्गुण धारा के कवि कह सकते हैं। अब इन दोनों में फिर से दो दो विभाग आते हैं, जैसे कि सगुण धारा में दो विभाग आते हैं, उसमें आता है कि राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा, तो राम को दशरथ पुत्र राम को भगवान मानकर, श्री राम मानकर, तो उनको आराध्य दैव मानकर, उनकी पूजा पाठ करने वाले और उनको मानने वाले, तो उनके ऊपर रचनाएं रचने वाले कवि को हम लोग राम भक्ति शाखा के कवि कहते हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से पहला नाम आता है संत तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो इनकी रचना है रामचरित मानस। तो रामचरित मानस तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। तो इसी में दूसरा भाग आता है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण को अपना आराध्य दैव मानकर, तो कृष्ण के लीलाओं के बारे में, कृष्ण की सुंदरताओं के बारे में वर्णन करने वाले कवियों को हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कह सकते हैं। उसमें प्रतिनिधि कवि है सूरदास। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके साथ साथ मीराबाई का नाम भी अक्सर लिया जाता है। सूरदास जी की रचना का नाम है सुर सागर। अब ये सगुण धारा के कवि हो गए, एक राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा हुई। अब निर्गुण धारा में फिर कौन है? निर्गुण धारा में फिर दो आते हैं, उसमें ज्ञान मार्गीय शाखा, दूसरा प्रेम मार्गीय शाखा। ज्ञान मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं संत कबीरदास। कबीरदास जी अपने ज्ञान से हम लोग कृष्ण यानी कि भगवान को, निराकार भगवान को, उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बोलकर वर्णन करने वाले कवियों में संत
कबीर दास जी का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। तो ज्ञानमार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी है। तो इनकी रचना बीजक है। बीजक में वे अपने विचारधाराओं को प्रस्तुत किए हैं। तो ज्ञानमार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास, उनकी रचना का नाम बीजक। अब फिर बचा हुआ कौन सा है? प्रेम मार्ग, प्रेम मार्गीय शाखा। तो प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। उनका कहना है तो भगवान की उपस्थिति, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की समीपता हम लोग प्रेम मार्ग से ही अपना सकते हैं बोलकर कहने वाले कवि हैं। भक्ति भावनाओं से, प्रेम मार्ग से हम लोग भगवान को अपने पास बुला सकते हैं या भगवान के पास हम लोग जा सकते हैं बोलकर कहते हैं। इनकी रचना का नाम है पद्मावत। जो हम लोग 2-4 साल पहले देख चुके हैं, पद्मावत फिल्म आई थी तो बहुत हंगामा भी हुआ था, लेकिन वही पद्मावत जो प्रेम मार्ग से रिलेटेड है। तो प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने उन्हें लिखा है। तो इस तरह से भक्ति काल में 4 भाग होते हैं, एक राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गीय शाखा और प्रेम मार्गीय शाखा। ऐसे प्रेम मार्गीय शाखा के कवियों में संत रविदास जी का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। संत रविदास जी अपनी रचनाओं में भक्ति के निर्गुण के संतों में इनका, संत रविदास जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जो संत रविदास जी तो अपनी भक्ति विचारों में, अपने रचनाओं में भक्ति भावनाओं को लाते हुए तो प्रेम को ज़्यादा स्थान दिया है। ऐसे रविदास जी का थोड़ा परिचय है, हम लोग परिचय देखते जाएंगे और उनके बारे में जानेंगे कि रविदास जी की रचनाओं में हमें क्या कुछ मिलता है। एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर सामने आपके सामने रखा गया है, भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रविदास जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। इनका जो ज्ञान है वो सत्संग, अच्छे लोगों के साथ, संतों के साथ घूम फिर कर वे ज्ञान कमाए थे और साथ साथ लौकिक, लौकिक यानी कि जो दुनिया को देखकर, दुनिया में घूमकर, दुनिया के लोगों के अनुभवों से तो अपना रचनाएं लिखे हैं। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे, वे अपने आचरणों में भी जैसा कहते थे वैसा चलते थे। उनका स्वभाव था संत का स्वभाव, संत के सादगी के साथ जीना और भक्ति में हमेशा लीन रहना इनका स्वभाव था। आपकी भक्ति सरल और सहज है, इनकी भक्ति जो है ज़्यादा जटिलता जिसमें नहीं है, सरल है और सहज रूप में दिखी जाती है। उसमें ना तो योग मार्ग की जटिलता है और ना भक्ति का शास्त्रीय विधान। तो आजकल हम लोग देखते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए योग मार्ग, योग करना मार्ग है इनकी, योग मार्ग जैसे तपस्या करना, अपनी कुंडलियों को वश में करना, ऐसी जटिलता इनके भक्ति में नहीं है। और जब भक्ति करते हैं तो शास्त्रीय नियम कि भाई सुबह इतने ही बजे उठना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही जाना है, ऐसे ही नहाना है, तो इस तरह से ही बैठना है बोलकर, तो इस तरह का कोई शास्त्रीय विधान भी इनके भक्ति में नहीं है। तो भगवान को प्रेम से, मन से अगर से कहीं भी हो जाओ, मन से अगर से चाहो तो भगवान की उपस्थिति अपने आप हो जाती है बोलकर इनका मानना था। इसलिए शास्त्रीय नियमों का वो विरोध करते थे। रविदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे, तो पहले ही कहा गया है। तो रविदास जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते थे। तो आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। इनकी जो भी वाणी है, विचारधाराएं हैं, उसमें भक्ति और भावनाओं को ज़्यादा विशेषता दी गई है। तो समाज में व्यापक जो विचारधाराएं हैं उनको समाज के हित के बारे में कहा गया है और मनुष्य के बीच में प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। तो आपकी वाणी का प्रभाव समाज में सभी वर्गों के विद्यमान था, वर्गों पर विद्यमान था। संत रविदास जी ने
अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। तो उनका कहना था कि आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय से, मतलब मैंने राजा के घर में पैदा हुआ तो राजा उनका बच्चा भी अच्छा होता है, उनका पुत्र बहुत महान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य का व्यवहार जो है, व्यवसाय मतलब काम से, कोई काम करके वो बड़ा काम है ये छोटा काम है ऐसा नहीं होता। तो अक्सर वो अपनी महानता कैसे होती है, उनकी विचारों से, विचारों की श्रेष्ठता से और उनके अच्छे गुणों से ही व्यक्ति बड़ा होता है, अपने कामों से व्यक्ति बड़ा होता है, ना कि अपने जन्म से या ना कि अपने व्यवसाय से, अपने बिजनेस से कोई बड़ा नहीं होता बोलकर वो मानते थे। तो ऐसे रहीदास जी हमारे सामने कुछ पदों को रखे हैं, तो चाहे तो मैं उनका एक और कलरफुल फोटो भी मैं आपको दिखा, ये रहीदास जी है। तो रहीदास जी तो संत स्वभाव के कवि थे, वे अक्सर अपने मन के अच्छाई का वर्णन किया, उन सबको हम लोग भक्ति काल के कवि कह सकते हैं। बाद में आपको उनका फोटो और जो भी पद्य में आते हैं तो उनके कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, उसे देखकर आप लोग समझ सकते हैं। प्रस्तुत पदों में संत रविदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य प्रकट किया है। तो भगवान के प्रति अपने आप को दास्य महसूस करते हैं, कमज़ोर समझते हैं, छोटा समझते हैं। भगवान तो महान होते हैं, उनकी विचारधाराएँ महान होती है, हम लोग इस छोटे से गोले में बैठकर हम कुछ महान नहीं बन सकते, हम तो केवल एक छोटा सा एक बिंदु है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है बोलकर उनका मानना था। तो भगवान के सामने आपने आपको दास्य भाव प्रकट किया है। तो राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रविदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। मतलब भगवान को राम यानी कि यहाँ निर्गुण धारा के प्रभु राम, सगुण धारा के प्रभु नहीं, क्योंकि निर्गुण धारा निराकार नाम तो राम का लिया गया है, लेकिन यहाँ पर निराकार राम का वर्णन किया गया है। तो भगवान जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो भगवान का वर्णन करते हुए तो भगवान को यहाँ पर अलग सा नाम देकर, उन्हें बड़ा सा नाम देकर स्वयं को क्या किया है, पानी बोलकर संबोधित किया है, स्वयं को बाती बोलकर कहा गया है, धागा बोलकर कहा गया है और अपने आप को एक दास बोलकर वो महसूस करते हैं। और भगवान को, प्रभु को चंदन कहते हैं, दीपक कहते हैं, मोती कहते हैं और स्वामी का रूप में स्वीकार लिया है। मतलब अपने आप को छोटा और भगवान को बड़ा बोलकर वे स्वीकार लेते हैं। साथ ही साथ परिश्रम, वर्क यानी कि मेहनत, परिश्रम को ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया गया है। और समता मतलब इक्वालिटी, एकता, सब समाज में भगवान के सामने सब एक है बोलकर वो संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर एक भगवान को महान मानते हुए अपने आप को छोटा कहते हुए भगवान की रट लगाए रखना, उसका वर्णन हुआ है। तो भगवान को सबसे ऊंचा स्थान देना, उसका वर्णन हुआ है। दूसरे पद में परिश्रम जो होता है, नेक परिश्रम करने से ही जगत में सफलता मिलती है बोलकर बताया गया है। तीसरे तरफ समाज में भगवान के हम सब पुत्र हैं, इसीलिए समाज में सब एक बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है बोलकर इन तीन विचारधाराओं पर तो कवि रविदास जी हमें बताते हैं। तो पहला पद हम लोग देखेंगे, शुरुआत करेंगे, तो बाद में देखा जा सकता है कि क्या है कैसे है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला पद शुरू होता है इनकी भगवान को महान मानना और अपने आप को छोटा समझना। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। दो ही शब्द है, कितने विशाल है। अब कैसे छूटे राम रट लागी, कहते हैं ए भगवान
हे राम, अब मुझसे जब तुम्हारा लत मुझ पर लग गया है, तुम्हारा नाम लेने का लत मुझे लगा है, जिसे लत कहते हैं, जैसे चट जिसे कहा जाता है, हैबिट जिसे कहते हैं, हैबिट जो हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बुरे काम करने की हैबिट लगती है, दारू पीने की हैबिट लग जाती है, सिगरेट पीने की हैबिट लग जाती है, लेकिन वो बुरा है, लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम लेना, तो भगवान का मनन करना, तो भगवान को याद करना, ये भी एक क्या होता है, हैबिट हो जाता है, एक रट लग जाती है। तो ऐसी रट कैसे जा सकती है? एक बार अगर से भगवान की रुचि लग जाए, उनके नाम लेने की रुचि लग जाए, तो वो किसी भी तरह कभी भी जा नहीं सकती, तो वो दिल से मिटा नहीं सकते। जिस तरह से हम लोग बुरे काम करने में लत लगा लेते हैं, उस लत को छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर से भगवान की लत लग जाए, तो भगवान को याद करने की, तो भगवान के भक्ति में लीन होने की अगर से हमें लत लग जाए, तो हम लोग उससे बाहर आसानी से नहीं आ सकते। इसलिए रैदास जी कह रहे हैं कि हम सबको अच्छे कामों की लत लगनी चाहिए, अच्छे विचारों की लत लगनी चाहिए, तो भगवान को धन्यवाद देने की लत लगनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं, अब कैसे छूटे राम रट लगी, ए प्रभु जी, अब तुम्हारा नाम मेरे जबान से कैसे दूर हो सकता है, ये तो साध्य नहीं है, क्योंकि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम तो चंदन के समान हो, चंदन सैंडल जिसे हम लोग कहते हैं, तुम तो चंदन हो, हम केवल उसमें डाले जाने वाले पानी हैं। जब पानी में चंदन की लकड़ी को डाल के रखा जाता है, एक दिन के बाद अगर से उस पानी को निकाल लिया जाए, तो चंदन की खुशबू जो होती है उस पानी में मिल जाती है, उस वो पानी सबके लिए चंदन का पानी बन जाता है। हे प्रभु तुम तो महान हो, तुम तो सुगंधित हो, तुम तो चंदन के समान हो, लेकिन मैं तो उसमें मिलने वाला पानी हूँ, उसके सिवा मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो तुम धन्य हो, मैं छोटा हूँ, तुम महान हो, मैं कमज़ोर हूँ, हे प्रभु तुम चंदन हो, मैं पानी हूँ बोलकर, तो यहाँ पर रैदास जी अपने आप को पानी कहते हैं और भगवान को चंदन कहते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि चंदन और पानी जो होता है, वे एक दूसरे से अलग होकर तो अपनी जो विशालता को, अपने जो सुंदरता को आसानी से प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए पानी का और चंदन का मिलना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि भगवान और भक्त का मिलना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं अभी एक सेकंड के लिए इसे होल्ड करके तो आपको उनके कुछ पिक्चर दिखा, रैदास जी का चित्र यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। रैदास जी तो इस तरह से थे, और साथ साथ जब रैदास जी अपने आप को छोटा महसूस करते हैं तो चंदन और पानी कहते हैं, तो चंदन जो होता है तो इस तरह से चंदन होता है, तो ये जो है चंदन है, और साथ साथ चंदन को पानी में डाला गया है। जब चंदन को पानी में डाला जाता है तो पानी भी चंदन के जो खुशबू से तो विस्तृत हो जाता है, खुशबू उसमें मिल जाती है। इसलिए इन दोनों का मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई ऐसे पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, चंदन का इस्तेमाल अगर से ऐसे होता है तो इसमें पानी और चंदन को घिसकर मिलाया गया है। अब इस चंदन का अगर से शरीर पर लगाते हैं तो पूरा शरीर क्या हो जाता है, चंदन से लेप टेप हो जाता है, लप तप हो जाता है, तो चंदन की महसूस हमारे शरीर में आ जाती है। इसी तरह भगवान और भक्त का मिलन हो जाता है, तो भगवान की जो खुशबू होती है, तो भगवान की भक्ति की जो खुशबू होती है अक्सर हमारे मन में रह जाती है, उसे किसी भी तरह दूर नहीं किया जा सकता बोलकर तो संत रैदास जी हमें यहाँ समझा रहे हैं। अब आगे वाला हम लोग दूसरे एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।